नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए आज काफ के लिए, बछड़े बछड़ी के लिए जो दूध से बचाने के लिए छीकी बनाते हैं, इस प्रकार की छीकी आप देखते हैं, इसको बनाना हम सीखेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है, कोई भी इसमें ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, कोई भी सीख नहीं पाए। दोस्तों देखने में जंजाल है, हमने इसके ऊपर एक वीडियो आप अभी देखेंगे वो भी बनाई थी। ये दूसरे तरीके से इसको कैसे बनाया जा सकता है वो आप देखेंगे। दोस्तों इसमें कोई भी गांठ नहीं है, सिर्फ एक आठ है, वो यदि आपके समझ में आ गई तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपने इस चैनल को दिया है, सब्सक्राइब शेयर लाइक किया। और यदि आप पहली बार आएँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साइड में जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लें, सब्सक्राइब लिखा हुआ, और साथ में बेल के बटन को भी दबा लें, और सबसे पहले आराम से वीडियो देख लें, उसके बाद आपको लगेगा यहाँ कुछ सीखने को मिला। इस चैनल पर हम ऐसी बातें लेकर आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ये रस्सी मैंने ली है, इसको डबल करके मैं नाप के दिखाता हूँ कि कितनी रस्सी चाहिए हमें, एक और ये दो, दो हाथ की रस्सी हमें इसके लिए चाहिए डबल करके। इसको डबल करके हम इसके सिरों को इस प्रकार मिला लेते हैं, एक कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं ताकि अंत तक ये बराबर रह आए। रस्सी आप दूसरी तरह की भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही रस्सी चाहिए इसके लिए, आप इस तरह की रस्सी भी ले सकते हैं जो पटसन की जिसको बोलते हैं। रस्सी आप कोई भी लें, तरीका एक ही रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये इनके सिरों को बराबर कर लेते हैं और बराबर करने के बाद इधर से इसको पकड़ते हैं, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इस प्रकार हम इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद जो पहली बात है वह यह है कि इसकी जो चाल है इसको आप देखें, हमें इसको इस प्रकार मिलाना, ये आजकल मशीन की बनी हुई आती थी, ऐसे घुमाओगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको हमें इस प्रकार पकड़ के ऐसे घुमा के इसके ऊपर लपेटना है, फिर ये नीचे आई, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये इसके ऊपर फिर लिपट जाएगी, पीछे से भी थोड़ा सा इसको घुमाते रहें, ऐसे करके हमें इसको लपेट देना है। और उसके बाद इनमें से किसी एक रस्सी को हम पकड़ लें, किसी भी एक को पकड़ लें, और उसको पकड़ने के बाद इसके अंदर से निकाल लें इस प्रकार। यही है वो बात है जो समझने वाली है, इस रस्सी को हमें पूरा निकाल लें इसके अंदर से। ये बात आपको समझ में आ गई तो समझो पूरी मोहरी ही आपको समझ में आ गई। ये एक रस्सी हमने इसके अंदर से निकाल ली और उसके बाद इसी को घुमाकर इसके नीचे से निकालेंगे हम ऐसे। जो रस्सी हमने इसके अंदर से निकाली थी इसी रस्सी को ऐसे इसके अंदर से निकाल कर और इस साइड में ले आएंगे और अब दोबारा इसको फिर निकाल देंगे इस प्रकार इसके अंदर से। सिर्फ यही एक आठ है जो इस पूरी छींकी में चलती है, इसको हम इस प्रकार यहाँ टाइट करेंगे और ये जो हमारा सिरा था इन दोनों को आपस में अब आगे फिर उसी प्रकार हम गोल करना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे और उसके बाद इसको फिर घुमाना शुरू करेंगे इस प्रकार। इस प्रकार घुमाते घुमाते हम इसको आगे तक लेकर के जाएंगे। शुरुआत के लिए आप इसे काउंट कर सकते हैं, जैसे एक दो, ये तीन, ये इस प्रकार चार, इस प्रकार पाँच। अब ये पाँच होने के बाद इसको सीधा कर लें, शुरुआत में जल्दबाजी मत करें सीखने के समय। इसको इस प्रकार करके उसके बाद इनमें से कोई एक पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को पकड़ के उसी प्रकार हम इसमें से निकाल लें। यहाँ से निकालेंगे ऐसे, इस रस्सी को पूरा निकाल लेंगे और निकालने के बाद जिस रस्सी को निकाला था उसी को इसी के नीचे से ऐसे देखिए ऐसे निकाल लेंगे और इधर लेके आएंगे। बस यही है जो बात है इसमें समझने वाली, और फिर इसको पूरा निकाल देंगे और यहाँ इसको मिला के टाइट कर लेंगे। और उसके बाद ये जो दूसरी थी इसको उसी प्रकार फिर इसके साथ चलाना शुरू कर देंगे, ये इस प्रकार घुमाते रहेंगे हमें।
और ये इसके ऊपर से जाती रहेगी। सिर्फ इसका एक राउंड आप देख लें, उसके बाद लंबी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको नीचे से निकालेंगे, ऐसे घूम जाएगा ये हमने काउंट कर लिए उतने ही फिर हमारे हुए। उसके बाद ये गलती क्या होगी कि इधर से नहीं डालना, इसको इस प्रकार डालना है ऐसे, और फिर निकाल लेते हैं पूरा। इसको निकालने के बाद उसी रस्सी को जिसको इसके अंदर से निकाला था, यहाँ इसी रस्सी के नीचे से निकाल कर ऐसे कर लेंगे तो ये, और फिर इधर से निकाल देंगे। और उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, यहाँ इसको टाइट करके इन दोनों को मिलाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके ऊपर बट चढ़ाएंगे, ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ती चली जाएगी। दो राउंड आप देख लें, दूसरे राउंड की शुरुआत कैसे होगी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इनके काउंटिंग करते रहे ताकि लंबाई इसकी बराबर रहे। और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे इस प्रकार। यहाँ से निकालने के बाद सेम वही प्रोसेस, गांठ लग गई है तो इसको भी खोल लेते हैं। उसी रस्सी को इसके अंदर से निकाल कर पीछे की तरफ करके और फिर पूरा निकाल देंगे। आखिरी तक यही तरीका चलता है इसमें। और इसको यहाँ लॉक कर देंगे, टाइट कर देंगे, और उसके बाद फिर आगे बनाना शुरू कर देंगे उसी प्रकार। ये देखते रहें आप, मैं अंत तक ले जाकर दूसरा राउंड आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद इस वीडियो को हम आप चाहें कितना बड़ा कर लें, अंत में बताऊंगा कि कितने राउंड तक आपको इसको लेके जाना है। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल प्रोसेस। दूसरा राउंड इसके अंदर से लेना है, तरीका वही रहेगा, उसी प्रकार इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ठीक उसी तरह इस अंगूठे के नीचे से निकाल कर इस साइड में लेकर के जाएंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे, और इसको टाइट करके फिर आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये अब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो चुका है इसके ऊपर, इसको घुमाते रहेंगे ऐसे करके। इसको घुमाया, ये टाइट हुआ, इसके ऊपर चढ़ा दिया और इस प्रकार फिर इसको घुमा लिया ऐसे करते करते। अब तीसरा जो राउंड हमें लेना है, ये जो हमारा बना दूसरा राउंड, ये जो ब्लॉक बना इसके आगे से हमें लेना है। हर बार आगे हमें फिर दूसरा ब्लॉक दिखाई दे जाएगा, यहाँ से ले करके और ठीक ऐसे ही इसके नीचे से निकाल देंगे इस प्रकार। ये निकालने के बाद इसको टाइट किया, यहाँ इस रस्सी को टाइट किया और आगे फिर उसी प्रकार से बनाना शुरू कर दिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपकी शेप आनी शुरू हो गई है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हमें चार राउंड लेने हैं। अब इसकी लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे, ये जो हम इस प्रकार बनाते थे, और ये आगे जो ब्लॉक बना था इसके ऊपर से इस ब्लॉक के आगे से डालेंगे इस प्रकार, और इसको फिर निकाल लेंगे। और ठीक वही तरीका, इस अंगूठे के नीचे से इसको इधर निकाला और पूरा फिर खींच लेंगे, और इसको यहाँ टाइट करेंगे और आगे फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार करते करते अब हमें इस लंबाई को हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि यह ऊपर जाके खूब चौड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और इस प्रकार चलते चलते यह हमारी छींकी बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो ये ब्लॉक बना इसके और इस प्रकार ये बनते बनते हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी। तो हमें इसको ये चार ब्लॉक हमें लेने कर सकते हैं, ये गिनती हमारी पांच जब हो जाएगी, ये इस तरह की शेप इसकी आ जाएगी तो हमारी ये छींकी बनकर तैयार हो जाएगी। और इधर जो ये बची इसको यहाँ गांठ लगा लेंगे ताकि ये दोबारा खुले नहीं, और इस गांठ को टाइट कर देंगे इस प्रकार पहनाने के लिए। चलो पहना के भी आपको दिखाई देता हूँ।
तो एक तो हमारी ये हो गई गर्दन में बांधने के लिए, और ये यदि लंबी बची है, शायद ये लंबी बच गई, तो दूसरी इधर बांधने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से ये आ जाएगी। चलो आपको बच्चे को पहना के भी दिखाई देता हूँ। और भी छोटी छोटी बातें इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक वीडियो के लिए बनता ही है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।